फिल्मों से ज्यादा कई फिल्मी सितारों के चर्चे उनके प्रेम प्रसंगों की वजह से होते हैं। फिल्मी दुनिया में सच्चे प्यार की कस्में खाने वाले कई अभिनेता सिर्फ एक बार नहीं कई बार सच्चा प्यार कर बैठते हैं, कभी अपनी फिल्मों की हीरोइन के साथ तो कभी किसी की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। कई बार तो इनके प्यार के बीच धर्म की दीवार आ जाती है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने धर्म की दीवार को तोड़ शादी रचाई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज की जिन्होंने धर्म की दीवार तोड़ शादी रचाई है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल टेक मस्ती को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पहले हम बात करेंगे शाहरुख और गौरी की। बॉलीवुड में शाहरुख खान और गौरी खान की गिनती सबसे प्यारे कपल में की जाती है। शाहरुख को गौरी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए 5 साल तक नाटक करना पड़ा। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। दोनों ने प्यार के लिए अपने परिवार से जंग की और आखिरकार परिवार को इनके प्यार के आगे झुकना ही पड़ा और 1991 में दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। अब चलते हैं सैफ और करीना की जोड़ी की तरफ। सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड के कूल कपल माने जाते हैं। दोनों की लव स्टोरी टशन के सेट पर शुरू हुई थी। बता दें कि कुछ साल डेट करने के बाद सैफ और करीना ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली थी। करीना और सैफ ने समाज की बातों को दरकिनार कर अपने प्यार को शादी तक पहुंचाया। अब बात करते हैं उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर की। 3 मार्च 2016 को उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर ने एक बिल्कुल सादे समारोह में चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शादी की थी। बताया जाता है कि साल 2014 में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी में उर्मिला और मोहसिन की पहली मुलाकात हुई थी। अब बात करते हैं फराह खान और शिरीष कुंदर की। फराह खान ने अपने धर्म से अलग जाकर जाने माने फिल्म मेकर शिरीष कुंदर से साल 2004 में लव मैरिज की। दिलचस्प बात ये थी कि शिरीष उम्र में फराह से 9 साल छोटे हैं। शिरीष और फराह के अलग अलग धर्म भी दोनों की शादी में बाधा ना बने। दोनों अपने बच्चों को दोनों ही धर्मों की शिक्षा देते हैं। दीपिका कक्कड़ शोएब इब्राहिम, जी हाँ, दीपिका कक्कड़ अपने ससुराल सिमर के साथ ही एक्टर शोएब इब्राहिम के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी और उन्होंने 22 फरवरी 2018 को धर्म बदलकर उनसे निकाह किया था। तो आपको इनमें से सबसे अच्छी जोड़ी किसकी लगती है, यह आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको भी प्यार का कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।